मालदीव और लक्षद्वीप को लेकर भारतीयों का गुस्सा जमकर सोशल मीडिया पर देखने को मिला। असर होटल और फ्लाइट टिकट कैंसिलिंग तक पहुंच गया। लेकिन मालदीव और लक्षद्वीप की बहस के बीच में अब खान सर आ गए हैं। खान जीएस एकेडमी के मुखिया खान सर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है, जिसमें वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और भारत और उसके पड़ोसियों के साथ फिलहाल की रिश्ते समझा रहे हैं। नेपाल गया, श्रीलंका में हम्बनटोटा ले लिया चीन ने, वो भी गया। अफगानिस्तान में तालिबान आ गया, बांग्लादेश खास नहीं पाकिस्तान भी गया, ऐसा वो कहते नजर आ रहे हैं। वो मैप के जरिए ये सारी राजनीति समझा रहे हैं। इसी बीच चीन की भारत को घेरने की नीति समझाते हुए वो कहते हैं कि नीचे श्रीलंका में हम्बनटोटा, पाकिस्तान में ग्वादर, बांग्लादेश में भी चीन ने एक बंदरगाह ले लिया, ऊपर यहाँ ताइवान है, चीन चारों तरफ से भारत को घेर रहा है। फिर वो विदेश मंत्री जयशंकर की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि हमारे विदेश मंत्री बहुत सही हैं, पाकिस्तान में इनकी नीति सही काम करती है, लेकिन चीन के मामले में मोई मोई हो जाता है। अब यहाँ वीडियो खत्म हो जाता है। साफ पता चलता है कि वीडियो किसी क्लास का लिया हुआ एक छोटा सा हिस्सा है, क्लिप है। इतनी क्लिप से सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। किसी ने मोदी का एक वीडियो शेयर कर लिखा, बीजेपी का गुरु मंत्र, जिसमें मोदी जी कहते नजर आ रहे हैं फूट डालो और लूटो, ये भी किसी भाषण से कटा हुआ क्लिप ही लग रहा है। तो किसी ने कहा कि खान सर की बातें हवा में होती हैं, हम अपनी सारी परेशानियों को हैंडल करने के लिए खुद ही काबिल हैं, विदेश नीति इतनी आसान नहीं होती जितना कि खान सर बता रहे हैं, जाओ जाकर चाय समोसे लेकर आओ और कुछ तुम भी खा लेना। कोई कहता है कि मोदी जी ने भारत को दुनिया की नफरत का पात्र बना दिया। आगे एक पोस्ट आता है कि ये पढ़े लिखों की बातें हैं, ये अंध भक्त और शाखा वालों को कहां पर ले पड़ेंगी। एक रिएक्शन तो ये भी आया कि सारे पड़ोसी आज से नहीं शुरू से भारत के शत्रु देश थे, लेकिन मित्रता की आड़ में अपने मंसूबे पूरे करते थे। अगर आज उन सब के चेहरे से नकाब उतर गया है तो अच्छा है, शत्रु के साथ सावधान रहकर व्यवहार करेंगे। यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद किया गया, कहा कि बात तो सही है, बीजेपी को विदेश नीति पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि आप दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। सारी कहानी शुरू हुई 3-4 जनवरी से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर थे और उस दिन ये वीडियो भी वहां से सामने आए, जहां पर बीच के पास पीएम वॉक करते देखे, वहां बैठे सुकून के पल बिताते हुए देखे गए। लेकिन ये तस्वीरें मालदीव को खटक गई और वहां के मंत्रियों ने पीएम मोदी और भारतीयों को लेकर के पता नहीं क्या क्या कह दिया। मालदीव की मंत्री ने तो भारत के प्रधानमंत्री को जोकर इजराइल की कठपुतली तक कह दिया। मामला गरमाया तो मालदीव ने अपने तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। इधर भारत में भी भारतीयों का गुस्सा इस कदर चरम पर पहुंचा कि बड़ी तादाद में फ्लाइट बुकिंग कैंसिल कर दी गई। ट्रैवल कंपनी ईज माई ट्रिप ने खुद आगे आकर मालदीव से जुड़ी तमाम फ्लाइट की बुकिंग कैंसिल कर दी। मामला मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप हो गया और खान सर के इस वीडियो को भी मालदीव और लक्षद्वीप वाले मुद्दे से जोड़कर अब देखा जा रहा है, जो कि किसी क्लास वीडियो का एक कटा हुआ हिस्सा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।